बी एंड बी एस सी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र। एशिया महाद्वीप का अपवाह क्षेत्र, यानी अपवाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र में अपन नदियों को लेते हैं, अर्थात उस प्रदेश के जलीय संसाधन का अध्ययन किया जाता है। जलीय संसाधन के अंतर्गत अपन वहां की नदियों का अध्ययन करते हैं, तालाबों का अध्ययन करते हैं, झीलों का अध्ययन करते हैं, महासागरीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है जो कि वहां के मुख्य अपवाह तंत्र में आते हैं। अधिकांशतः यानी जितने भी देश हैं या किसी भी क्षेत्र में जहां पर पर्वतीय स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और उस प्रदेश का अधिकांश भाग मानसून के मार्ग में पड़ता है तो वहां पर क्या होती है? वर्षा होती है। और जैसे ही पर्वत श्रेणियां वर्षा को रोकने में सहायता प्रदान करती हैं, वर्षा के रुकने के बाद में वहां से बहता हुआ जल किसमें आता है? एक सरिता का विकास होता है। वही सरिता धीरे धीरे एक बड़ी सी नाली के रूप में विकसित हो जाती है जिसे अवनालिका कहा जाता है। और जैसे उस अवनालिका का आकार बड़ा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहां का अपवाह तंत्र विश्व का सबसे प्रमुख अपवाह तंत्र है। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका अपवाह तंत्र वो भी विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की श्रेणी में लिया जाता है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की श्रेणी में क्यों लिया जाता है? क्योंकि एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो इसका आकार विशाल पाया जाता है। यानी एशिया महाद्वीप का आकार विशाल पाया जाता है। अपने विशाल आकार के साथ में इसके तीन और महासागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तीन और महासागरीय क्षेत्र का मतलब ये दक्षिण भाग में क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर। इधर वाले भाग में आ जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर वाले भाग का अध्ययन करें तो यहां पर आ जाएगा अरब सागर और यहां पर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऊपर वाले भाग में आ जाता है आर्कटिक महासागर। बीच वाले क्षेत्र में अधिकांश यानी छोटे मोटे समुद्री क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे इधर वाले भाग में हो गया भूमध्य सागर। अब एशिया महाद्वीप के बीच वाले क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। और जिस क्षेत्र में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आता है ये मानसून को रोकने में सहायता प्रदान करता है। ये मानसून को रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ में इन क्षेत्रों से अधिकांश नदियां निकलती हैं। इधर की तरफ जो धारे हैं वहां से जल सीधा कहां आता है? हिंद महासागर।
और इधर की तरफ वाला जो ढाल है वहां से जल कहां जाता है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जाता है। तो एशिया महाद्वीप में अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है, और ये वाली जो वर्षा है उसका अधिकांश भाग कौन सी ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। अब एशिया महाद्वीप के अफवाह तंत्र का अध्ययन करें तो इसके अफवाह तंत्र को पांच भागों में बांटा जाता है। पांच भाग कौन कौन से हैं, यहां से प्रारंभ होता है ये वाला हो गया अपना हिंद महासागरीय, ये वाला जो भाग आ जाएगा ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय, अपवाह है ये वाला जो भाग है वो आ जाएगा आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। और ये वाला भाग आ जाएगा प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, और यह आ जाएगा आंतरिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अपवाह क्षेत्र को पांच भागों में बांटा जाता है। पांच भागों में क्यों बांटा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के तीन और महासागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तीन और महासागरीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तरफ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र आ गया, और जहां पे प्रशांत महासागर आ गया तो वे नदियां जो कि अपना जल ले जाकर प्रशांत महासागर में गिराती है वो क्या कहलाता है, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। वे नदियां जो कि अपना जल ले जाकर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गिराती है उसे क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और इस वजह से मुख्य नदियों का अध्ययन करें, हांग होगी, आमुर होगी, यांगसी और सिक्यांग, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का जो ढाल प्रशांत महासागर की ओर पाया जाता है इससे निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने जल को ले जाकर कहां गिराती है, प्रशांत महासागर में गिराती है। और इसकी मुख्य नदियों की बात करें तो इसमें हांगो आती है, यांगसी आती है और सिक्यांग आती है। दूसरी बात आती है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। भारत का अध्ययन करें तो भारत भी कहां पर स्थित है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण से यहां से निकलने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो अपने जल को सीधे कहां लाकर गिराती है, हिंद महासागर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करें तो यहां से कौन सी नदियां निकलती है, हांगो निकलती है, यांगसी निकलती है, सिक्यांग निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, इरावती निकलती है, मीनाम निकलती है, मिकांग निकलती है। इसके अलावा दक्षिण के पठारी क्षेत्र से भी नदियां निकलती है।
अरब में मुख्य नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी थी। कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र की बात करें तो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र जो कि मुख्य अफवाह क्षेत्र है और यहां से निकलने वाली नदियों में दजला, फरात आते हैं। कौन सी है? दजला फरात है। इधर वाले भाग से आ गई सिंधु नदी, आ गई यहां से इधर गंगा चली गई, गंगा के साथ में ब्रह्मपुत्र आ गई, सॉरी यमुना आ गई और इनकी सहायक नदियां घाघरा हुई, गंडक हुई, कोसी हुई। इधर वाले क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र आ गई, मीनाम आ गई, मीकांत आ गई। तो ये वाली सारी की सारी नदियां हैं वो अपना जल कहां लेकर जाती है? अरब, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में लेकर जाती है। इधर वाले क्षेत्र से इरावती आ जाएगी, तो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र जिसको दो भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागरीय अफवाह क्षेत्र और दूसरा आता बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र। हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागरीय और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र। अरब सागरीय अफवाह क्षेत्र में उन नदियों को लिया जाता है जो कि अपना जल कहां ले जाकर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। दो मुख्य नदियां दजला फरात और सिंधु नदी। इसमें सिंधु को लिया जाता है, सिंधु की सहायक नदियों को लिया जाता है। किसको ले रहे? सिंधु को ले रहे, सिंधु की सहायक नदियों को ले रहे। और सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज है, व्यास है, रावी है और चिनाब है। ये वाली जो नदियां हैं वो सीधे अपने जल को कहां ले जाकर गिराती है? अरब सागर में ले जाकर गिराती है। दूसरी वे नदियां आती है जो कि अपना जल कहां ले जाकर गिराती है? बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इसमें गंगा आती है, यमुना आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, इरावती आती है, घाघरा आती है, गंडक, ये सारी नदियों को इसमें लिया जाता है। इसके अलावा दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों में गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनार है, वैगई है। ये वाली नदियां कहां से निकलती है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तीसरी अपन बात करते हैं भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। इसमें उन नदियों को लिया जाता है जो कि अपने जल को कहां ले जाकर गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। और इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो इसके बीच वाले क्षेत्र में कैस्पियन सागर आ जाता है और ये वाला यहां बीच में कैस्पियन सागर आ गया। अतः ये वाली क्या करती है? अपने जल को कैस्पियन सागर में भी गिराती है। भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तुर्की आता है, लेबनान आता है, इजराइल, जॉर्डन और साइप्रस आता है। यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिकांशतः आर्मेनिया की घाट से निकलती है। कहां से निकलती है? आर्मेनिया की घाट से निकलती है। इसमें मुख्य जो नदी है वो एक तो मनीषा है। भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र से निकलने वाली मुख्य नदियों में एक तो मनीषा आती है और दूसरी आती है मेडेरी सागरीय। तो दो मुख्य नदियों को लिया जाता है, एक तो मनीषा है और दूसरी कौन सी है? मेडेरी से। ये वाली नदियां अपने जल को कहां गिराती है? भूमध्य सागर में गिराती है। और भूमध्य सागर के पास वाले क्षेत्र में लाल सागर आ जाता है। इसके एक और युवाल का पठारी क्षेत्र आ जाता है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ने हेतु स्वेज नहर का निर्माण किया गया। भूमध्य सागर और लाल सागर
दोनों को आपस में जोड़ने हेतु किसका निर्माण किया गया है? स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। तीसरी बात करते हैं अपन ज्योति। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है या उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अपने जल को कहां गिराती है? आर्कटिक महासागर में गिराती है। इसमें निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिकांश से निकलती तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से है, और इसके तीन मुख्य नदियां हैं, ओब, यनेसी और लीना। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र से निकलने वाली तीन मुख्य नदियां ओब हैं, यनेसी हैं और लीना हैं। इस महासागरीय या अपवाह क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है, ये वाला संपूर्ण प्रदेश से उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है, और उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित होने के कारण से यहां पर तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र जो कि उत्तरी भाग की ओर स्थित है, और उत्तरी भाग की ओर स्थित होने के कारण से यहां पर तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तापमान कम होने के कारण से इन नदियों में क्या होता है? बर्फ जम जाती है, और जब इन नदियों में बर्फ जम जाती है तो इनका जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और जिस क्षेत्र से ये वाली नदियां बहती है वहां पे कीचड़ की प्रधानता अधिक पाई जाती है, कीचड़ कीचड़ पाए जाते हैं, क्योंकि जल प्रवाह मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो यहां पर मुख्य तीन ही नदियां हैं, ओब, यनेसी और लीना। आर्कटिक महासागर के जल की बात करें तो इसका अधिकांश जो जलीय क्षेत्र है उसमें हर समय लगभग क्या जमी रहती है? बर्फ ही जमी रहती है। पांचवा अपना आता है आंतरिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र। यानी आंतरिक अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है इसमें उस क्षेत्र को लिया जाता है जहां पर नदियां तो बहती है, क्या होता है? जहां पर नदियां तो बहती है लेकिन नदियों में वर्षा की कमी के कारण से पानी क्या होता है? कम होता है, और जब किसी क्षेत्र में वर्षा ही कम होती है तो ये वाली जो नदियां हैं वो थोड़ी दूर बहती है, और थोड़ी दूर बहने के बाद में उसी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती या आंतरिक भाग ऐसा पाया जाता है जहां पर नदियां तो बहती है लेकिन ये वाली नदियां अपना जल किसी भी महासागर में नहीं गिराती है, और वर्षा के जल की कमी के कारण से बीच वाले भाग में लुप्त हो जाती है, अर्थात या तो कोई छोटा सागर पाया जाता है या कोई झील पाई जाती है और उसी में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और इनमें मुख्य जो नदियां हैं वो अपना जल कहां गिराती है? अरल सागर में गिराती है। कहां गिराती है? अरल सागर में। इसमें मुख्य नदियां टीही है, चू है, तारी है। ये या तो उसी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, कुछ नदियां जैसे जॉर्डन नदी है, जॉर्डन भी है, और अपने जल को कहां गिराती है? मर्त्य सागर में गिराती है। तो ये उसी क्षेत्र में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो एशिया महाद्वीप के अपवाह क्षेत्र को पांच भागों में बांटा गया है, प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र और आंतरिक अपवाह क्षेत्र, अर्थात जहां पर नदियों का जल लुप्त हो जाता है।
अब संपूर्ण एशिया महाद्वीप का 80% भाग आज भी ऐसा पाया जाता है जो किसमें आता है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र में आता है। ये नदियां अपने जल को कहीं भी नहीं गिराती। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।